नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के एक बड़े बिजनेसमैन गौतम अदानी, जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो दोस्तों ये अभी इन्होंने भूटान की एक यात्रा करी है, और भूटान की जो यात्रा करी है वहाँ पे इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है भूटान की गवर्नमेंट के साथ। ये वहाँ पर गए और वहाँ पर इन्होंने दो लोगों से मुलाकात करी, एक भूटान के प्रधानमंत्री और एक भूटान के राजा भूटान के नरेश से इन्होंने मुलाकात करी। और ये जो मुलाकात हुई है इनकी, ये इसलिए हुई है क्योंकि अडानी ग्रुप भूटान में, भूटान का एक प्रोविंस है चुखा नाम से, उस प्रोविंस में ये अपना एक पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, ग्रीन हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि 570 मेगावाट का होगा। दोस्तों, ये लगाने के लिए एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हो चुका है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा भूटान को, वहाँ पर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी होगी। ये किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, और ये अच्छी बात है कि भूटान ये सारी चीज़ें भारत की कंपनी के द्वारा करवा रहा है, क्योंकि भूटान के पास ऑप्शन और भी हैं। अगर वो चाइना के साथ चाहे तो चाइना तुरंत कर देगा, वो चाहेगा ही कि भूटान उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट करे और वो कर ले, लेकिन नहीं, भूटान ने इस चीज के लिए भारत के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा समझा। दोस्तों, ये भारत और भूटान के रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भूटान को अगर चाइना से दूर रखना है तो हमें उसके बारे में अच्छा सोचना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें भूटान को एक अपने भाई की तरह ट्रीट करना होगा, जैसे हम लोग नेपाल को अपना भाई की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो बात अलग है, नेपाल थोड़ा सा शरारती है, भाई छोटा भाई है वो शरारती है, लेकिन भूटान वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि गौतम अडानी यानी कि अडानी ग्रुप ने जो अभी ये भूटान के साथ किया है, ऐसे ही इन्होंने पिछले कुछ टाइम पहले एक एग्रीमेंट श्रीलंका की सरकार के साथ भी किया हुआ है, जिसमें ये श्रीलंका में अपना एक प्लांट लगाएंगे, जिसके तहत वहाँ पर पवन ऊर्जा बनाई जाएगी, यानी कि विंड एनर्जी वहाँ बनेगी, जिससे श्रीलंका की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। और वो जो एग्रीमेंट किया गया है वो 20 सालों के लिए किया गया है, कि 20 सालों तक अडानी ग्रुप से वो इलेक्ट्रिसिटी श्रीलंका की गवर्नमेंट परचेज करेगी, उसके आगे देखा जाएगा। अभी ये 20 सालों तक के लिए एग्रीमेंट है, तो अडानी ग्रुप उसमें भी अपना पावर प्लांट वहाँ श्रीलंका में लगाने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, श्रीलंका भी ऐसा ही देश था जो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हो चुका था, चाइना की तरफ उसका झुकाव बहुत हो चुका था, लेकिन चाइना ने उसको ऐसा डेट ट्रैप में फंसाया कि वो वापस से इंडिया के पास आया, और इंडिया ने उसकी पूरी तरह से मदद करी। अब दोस्तों, ये अच्छी बात है कि हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको बिल्कुल अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि चाइना ने उनको छल दिया तो इसकी वजह से वो हमारे पास वापस से लौट के आ रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये तो रही एक बात डिप्लोमेसी की, एक देश दूसरे देश के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर रहा है, लेकिन इसमें गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप है उसको भी इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर दोस्तों अडानी ग्रुप के जो शेयर प्राइस है अगर एक साल में देखें तो इसमें बहुत अच्छा उछाल आया है इसके प्राइस में, मतलब ये समझ लीजिए कि लोगों को दिखता है कि ये जो ग्रुप है ये एनर्जी के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एनर्जी के सेक्टर में, पोर्ट के सेक्टर में, तो इसके अलग अलग जो कंपनियां हैं वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रही, इसलिए पिछले कुछ टाइम से देखा गया है कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं वो उन सब में लगभग बहुत अच्छा उछाल आया है, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हुए हैं और लोगों ने इसमें बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट कमाया है। और ये दोस्तों अभी अगर देखें, अगर मैं प्राइस अभी जो लास्ट क्लोजिंग हुई है मार्केट की उसमें अगर देखें तो अभी वहाँ पर प्राइस 746 रुपये पर शेयर का अभी रेट चल रहा है दोस्तों, लेकिन अगर हम पिछले कुछ महीनों में देखें, बल्कि अगर एक साल के आसपास देखें तो करीब 250 रुपये के आसपास का इसमें जंप आया हुआ है, मतलब इस शेयर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर कोई इन्वेस्टर हो, कोई इसको देख रहा हो, तो वो इसको एनालिसिस कर सकता है कि इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा होया हुआ है। और अभी जैसा कि कुछ दिख रहा है कि जिस हिसाब से अडानी ग्रुप बिज़नेस को कर रहा है और ये अपने बिज़नेस को कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है, उससे ये समझ में आता है कि इस कंपनी में आने वाले समय में प्रॉफिट और ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे रिटर्न भी आ सकता है, लोग इससे पैसे भी बना सकते हैं।
ये दो चीज़ें भारत को दिखाती है कि एक तो हमारे डिप्लोमेसी भी अच्छी दूसरों देशों के साथ हो रही है, और उसके साथ दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्ट भी कर सकता है और उससे पैसे भी कमा सकता है। दिस इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो इसमें मेरे कहने के अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्ट मत करना, जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये पूरी तरह से मेरे अपनी व्यक्तिगत राय है। दोस्तों अब इससे कुछ और अपडेटेड न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।